तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कदीमा की सब्जी बनके तैयार हुई है। इस कदीमा की सब्जी बनाने के लिए हमने लगभग 400 ग्राम के आसपास कदीमा लिया है। और कदीमा कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसके छिलके बहुत ही हार्ड होते हैं, तो आप ध्यान से छीलेंगे आप चाकू की मदद से, ताकि आपके हाथों को लगे ना। तो इस प्रकार से हमने इसके छिलके को निकाल लिया है। इसके छिलके बहुत ही मोटे होते हैं। इसी प्रकार से हमने सारे कदीमा के छिलके को निकाल लिया है और कुछ इस प्रकार के शेप में हमने काटा है, जो कि लगभग 1.25 इंच के स्क्वायर के टुकड़े में काटा है। तो ये देखिए हमारा फाइनली सारे कदीमा को हमने काट लिया है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम थोड़ी सी तेल डालेंगे। तेल हमने लगभग 1 चम्मच के आसपास इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें 5 फोरन डालेंगे और फिर 4 से 5 हमने सूखी मिर्च को तोड़ के डाला है, ताकि ये कदीमा जो हमारा मीठा होता है, तो इसमें थोड़ा सा तीखापन के लिए हमने सूखी लाल मिर्च का प्रयोग किया है। तो अब हम इसमें हमारा कदीमा है उसे हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तरीके से आप इस कदीमा की सब्जी को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये सब्जी। मिठास लगती है ये सब्जी। तो मिला के इसे कवर करके पकाएंगे। 3 से 4 बार हम कवर करके इसे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये सारी प्रक्रिया हमें लगभग 5 मिनट में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो इस कदीमा को फ्रेंड्स कद्दू भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ कदीमा, कोहड़ा ये सब नामों से जाना जाता है इसे। कोहड़ा भी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, कदीमा भी बोलते हैं, और ज़्यादातर जगहों पे ये कद्दू ही बोला जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है, और नमक ऐड करके हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। और नमक डालने के बाद इसे हम फिर से कवर करके पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगेगी ये सब्जी, ये कोहड़े की सब्जी। तो ये देखिए, तो ये कदीमा हमारा ये लगभग 70-80% पक चुका है। ये देखिए सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे हम अदरक, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पे हमने कूट के इसमें डाला है। इस सब्जी में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही पीला होता है। तो अदरक हमारा भुनने के बाद यहाँ पे ये टमाटर ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो बगैर टमाटर का भी बना सकते हैं। हमने टमाटर इसलिए डाला है ताकि जो इसमें मिठास जो होती है ये हमारा कदीमा, तो उसमें थोड़ी सी खटास आ जाए, तो टमाटर से इसका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो केवल धनिया का पाउडर भी डाल के इसे बना सकते हैं। बस इसमें धनिया का पाउडर से ही ये बहुत ही अच्छा बन जाता है, बहुत ही टेस्टी और तीखा ये बन जाएगा, क्योंकि हमने सूखी मिर्च का जो इस्तेमाल किया है 4 से 5। ये मीठा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तीखा ऑलरेडी दे दिया है इसमें। आप चाहे तो तीखी वाली मिर्च पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली पक चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इस प्रकार से बनेगी ये कदीमे की सब्जी। तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो फाइनली ये हमारा कोहड़ा का सब्जी बनके तैयार है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। आपको सब्जी देख के मुँह में पानी आ गया होगा, क्योंकि ये बनी है इतनी अच्छी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको
कोहरा पसंद नहीं आता हो तो इस प्रकार से आप बनाएं तो आपको भी अच्छी लगेगी ये सब्जी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।